कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आज ऐलान कर रहे हैं कि आज से आप इलेक्शन कैंपेन और आपका हल्का कौन सा होगा, कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं? खान साहब ने तो मुझसे पूछा कि जी आपको पार्टी ने कहा है, मैंने कहा जी मुझे पार्टी ने कहा है, तो उसने कहा ठीक है फिर आपको लड़ना चाहिए। तो खान साहब की ख्वाहिश है, मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, तो जो भी पार्टी जो भी हल्का जीती मैं उस पर। अच्छा सर, राणा सनाउल्ला साहब ने कल एक बयान दिया है कि इमरान खान को जेल के अंदर बाकायदा तौर पर दवाई दी जा रही है, ये ऐसी बात कोई सप्लायर ही कर सकता है? अगर वो सप्लायर है तो फिर तो शायद उसके पास होंगे कोई शहादत। मुलाकात के वक्त वो मौजूद थे, तो क्या सुलह सफाई हुई है कोई आपस में? सुलह सफाई में नहीं कर पाए। खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कहेंगे, सेहत कैसी थी और उनका कॉन्फिडेंस? खान साहब जो है चश्मा यहाँ पे लटका हुआ था और उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और डार्क ब्लू कलर की जर्सी उन्होंने इनके अपने शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी। बड़े मतलब ये हैं कि तीन दफ़ा अलकार आया जेल का कि जी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है, खान साहब जो हैं वो कहते थे नहीं है और बैठे रहे। तो खान साहब जो हैं आज खुल के बोले, मईशत पे, फॉरेन पॉलिसी पे, केसेस पे, पार्टी के अमूर पे एक बात उन्होंने कही बबांगे। उन्होंने कहा सबको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट इमरान खान देगा, कोई और शख्स के पास अख्तियार नहीं है। लिहाजा ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि टिकट कोई नहीं दे सकता है सिवाय इमरान खान के, और टिकट जो है मेरठ पे दिए जाएंगे। जो अशखाज दूसरी पार्टियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुधार रहे हैं, उस हवाले से खान साहब से बात हुई कि क्या अगला लाए अमल, या खान साहब ने आपको कहा कोई ऐसा क्राइटेरिया मुकर्रर किया? पांच नाम सबमिट किए जो आ रहे हैं, एक शख्स के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, उनकी तवहीन नहीं करूंगा, पब्लिक में उसका नाम नहीं बताऊंगा। चार लोगों को उन्होंने खुशामदीद कहा। मैंने उन्हें ये भी कहा कि लोग गैर मशरूत तौर पे आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग अपने इन नए आने वालों को अपना पार्टी में हरीफ समझ के शायद कुछ मजामत करें। तो उन्होंने कहा कि केपी के हवाले से अली अमीन खान का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, और मैं पार्टी डिसिप्लिन की इस मौके पे कतई किसी को खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा।